दोस्तों कैसे हैं आप। सी टेक टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए डी के 7 नए फार्मूले लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम अपने विंडो पर। तो सबसे पहले हमने अपने विंडो को ओपन किया और मैं एक्सेल शीट पे आ गया। सबसे पहले हम आपको इन फार्मूले के बारे में जानकारी दे देते कौन कौन से आज हम आपको फार्मूले सिखाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला हमारा हेक्साडेसिमल का है, दूसरा हमारा डेल्टा और तीसरा हमारा तीन नंबर का फार्मूला जो है हमारा डी जेड का, डी मैक्सिमम का, डी मिनिमम, डॉलर और डी सम का। तो सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल को आपको डेसिमल से कन्वर्ट करके दिखाएंगे भी डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद में डेसिमल टू हेक्सा का फार्मूला हम इस पे अपने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लगा देते हैं। इसके बाद में ब्रैकेट शुरू करेंगे और डेसिमल के जीरो पे हम इस पे कॉलम पे क्लिक करके और ब्रैकेट बंद कर देंगे, इससे हमारा जीरो आ गया। सेकंड हमने फिर से इक्वल डेसिमल का जो भी फार्मूला हमने लगाया था अभी पहले उसको भी सिलेक्ट किया और ये भी आ गया। तो अब ये हमारा डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में हमने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल का फार्मूला। तो ये जो हमने वैल्यू रखी है अपने डेसिमल नंबर में, ये सभी हमारे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगी इस फार्मूले से। तो ये हमारा डेसिमल का, हेक्साडेसिमल का हमने अब स्क्रोल करके नीचे तक आपको दिखा भी दिया भी, ये हमारे ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे हेक्साडेसिमल। तो ये हमारा जो फार्मूला था वो 26 नंबर पर हमने इसको शुरू किया है। अब सेकेंड जो है नेक्स्ट फार्मूला हमारा 27 पे है डेल्टा का। इसमें हम वैल्यू चेंज करेंगे कैसे भी, आपने दो वैल्यू रखी है और जो सम सेम जो होगी वो एक वन आ जाएगा उसका, और जो सेम नहीं होगी उसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इक्वल किया, डेल्टा किया, ब्रैकेट शुरू किया और नंबर वन पे हमने क्लिक किया, जो भी हमने कॉलम दो बनाए नंबर वन नंबर टू उस पर कोमा दे के फिर हमने सेकेंड नंबर पे क्लिक किया और एक ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया। इसमें हमारा जीरो होगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं सेम नहीं है। अब हम इस पर लगाते हैं डेल्टा का, फिर से इक्वल शुरू करके डेल्टा और ब्रैकेट शुरू, और इसमें हमने ई 31 और एफ 31 ब्रैकेट बंद किया, ये हमारे कॉलम है। तो एंटर प्रेस करेंगे, अब इसमें सेम वैल्यू आ गई हमारी क्योंकि सेम है 50-50, इसलिए वन आ गया है, ये मैचिंग हो रहा है हमारा। तो जो मैच नहीं होगा वहाँ जीरो आएगा, जो मैच होगा वहाँ वन वन आएगा, और जहाँ टेक्स्ट होंगे वो भी हमारे क्लियर नहीं होंगे क्योंकि वहाँ टेक्स्ट लिखे तो वो नहीं होगा हमारा इसमें मैच, इसलिए ये डेल्टा का फार्मूला था हमारा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा डी जेड का है। इसमें हमने आपको एक टेबल बना के दिखाई जिसमें प्रोडक्ट है वोल्ट लिखा हुआ है, और इसमें हमने आपके बल्ब है, यूनिट रेट है, क्वांटिटी है और वॉल्यू आपका, ये आ गया वैल्यू ऑफ स्टॉक, भाई आपका टोटल स्टॉक कितना बचा हुआ। तो सभी हमने एक टेबल बना के, तो आपको इसमें हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्टॉक में हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का है, उसकी वोट क्या है। तो ये सभी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो हमने इसमें टेबल में आपको मैं ये पूरी टेबल बना के आपको एक्सेल पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं हम लास्ट में, जैसे हमने इन तीनों का मल्टीपल करना है तो आपने इक्वल और जो भी हमारा कॉलम है जिसमें हमने यूनिट कॉस्ट दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, बॉक्स क्वांटिटी है और आपका स्टॉक है, इनको हमने मल्टीपल करके एंटर प्रेस कर देना है, इससे हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हमने सभी का वैल्यू ऑफ स्टॉक नीचे तक निकाल लिया एक ही फार्मूले से मल्टीपल करके। अब इसमें हाउ मैनी, इसमें बॉक्स ऑफ द पार्टी कॉलर, इसमें हमने आइटम जो भी लिखा है इसमें क्या है उसकी हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक पता करना है कि भाई आपके पास जो स्टॉक है उसके आपके पास टोटल क्या जो कितना स्टॉक बचा हुआ है आपके बॉक्स के अंदर। तो हमने वो जैसे प्रोडक्ट ले लिया, वोल्टेज ले लिया, लाइफ आवर ले लिया इसमें, और इसमें हम फार्मूला लगाएंगे डी जेड इक्वल लगा के ब्रैकेट शुरू, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम। इसके बाद में आपने कोमा देना है, जो आपने वैल्यू मांगी है भी आपने वैल्यू निकालनी है तो आप वैल्यू के कॉलम पे क्लिक करना है। तो इसमें दिखाया गया भी हमने वैल्यू निकालनी है किसी ब्रांड के बल्ब की और भी टोटल हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने
इक्वल लगा के डी जेड और ब्रैकेट शुरू, उसके बाद में पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कोमा दिया, इसके बाद में हम जाएंगे अपने वैल्यू ऑफ स्टॉक पे और कोमा, और उसके बाद में पूरी टेबल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बाय। तो इसमें हमारा बल्ब का जो हमने लिया था प्रोडक्ट बल्ब है और होरिजन ब्रांड है, तो इसका स्टॉक हमने चेक कर लिया भाई हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो ये हमारा स्टॉक आ गया। ऐसे आप सनबीम का, होरिजन का, किसी का भी आप स्टॉक यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी आपके पास क्वांटिटी आपके वैल्यू ऑफ स्टॉक में मिलेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये हमारा डी जेड का फार्मूला था जिसमें हमने, हम हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला डी मैक्सिमम का है, तो इसमें भी हम ऐसे ही निकालना हमें। तो सबसे पहले हमने पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, तो डी मैक्सिमम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ स्टॉक और किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, तो मैक्सिमम निकालना हमने इसमें। तो आप में मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी सबसे पहले वो आपने इस पर शो करानी। तो सबसे पहले आप इक्वल शुरू कीजिए और डी मैक्सिमम, उसके ब्रैकेट शुरू, उसके बाद पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपने कोमा देना है, उसके बाद में आप वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्लिक कीजिए, फिर कोमा, उसके बाद जो आपने एक दो कॉलम लिए ब्रांड और होरिजन का, सनबीम का जो भी है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करना है। इससे आपका डी मैक्सिमम का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी किसी भी प्रोडक्ट की वो आपका शो हो जाएगा। तो ये हमारा डी मैक्सिमम का था दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो डी मिनिमम का है, तो डी मिनिमम भी हमने ऐसे ही निकाल के दिखाना आप लोगों को कि इसमें भी आपने क्या करना है कि भाई इसमें लोवेस्ट, उसमें तो लार्जेस्ट था, इसमें लोवेस्ट का वैल्यू निकाल के आपको शो हो जाएगी किसी भी ब्रांड की कंपनी की, चाहे वो सनबीम का, होरिजन का, एलजी का। तो आपने इक्वल शुरू, डी मिनिमम, ब्रैकेट शुरू और सबसे पहले, फिर आपके बाद में आपने टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में कोमा करना है, देना है, इसके बाद में वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्लिक करना है, इसके बाद में फिर आपने दोनों ही टेबल जो हमने ब्रांड होरिजन लिखा है इसको सिलेक्ट करना है दोनों कॉलम को, और आपने ब्रैकेट बंद और एंटरप्राइज, इससे भी आपका लोवेस्ट मिनिमम निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट फार्मूला डॉलर का, तो हम डॉलर में भी आपको बताएंगे भाई आप डॉलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने इक्वल और डॉलर का फार्मूला यहाँ पे लगाना है और उसमें जो भी आपने वैल्यू रखी है उस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट बंद, इसमें आपका डॉलर निकल के आ जाएगा, सभी के आगे डॉलर लग जाएंगे। तो डॉलर का था 31 का फार्मूला, 32 का लास्ट का हमारा जो फार्मूला डी सम का है। इसमें हम क्या करेंगे कि भाई आपका कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू निकालनी हमने स्टॉक में कि भाई हमारे पास टोटल वैल्यू किस ब्रांड की कम बल्ब की है, तो वो हमने बल्ब की निकालनी है, जो हमारा बल्ब है किसी भी कंपनी का, तो उसका टोटल हम सम निकाल लेंगे। तो इक्वल शुरू और डी सम, ब्रैकेट शुरू, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपने कोमा, उसके बाद में कोमा देने के बाद में आपने वैल्यू ऑफ स्टॉक पे क्लिक करना है, इसके बाद फिर कोमा, और आपने जो दो रो ली है, दो रो है हमारे पास ब्रांड ओरिजिन की, इनको सिलेक्ट करना है वो ब्रैकेट बंद, प्रेस, एंटर प्रेस करने के बाद में आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी डी सम टोटल बल्ब की। तो ये आपका जो फार्मूला था ये डी सम का, तो ऐसे हमने आपको सारे फार्मूले इसमें करा दिए साथ के साथ। तो जो भी आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हर रोज़ बनाते रहेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम हर रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।